हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज क्लास यूज द फिगर टू नेम अब एक फिगर दी हुई है उन्होंने इस फिगर में फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को क्या रिप्रेजेंट करना है फाइव पॉइंट्स तो इस फिगर में आप देखो आपके पास कौन से पॉइंट्स हैं जो भी ये पॉइंट्स कैपिटल लेटर्स के साथ यहाँ पर मैंशन है इस फिगर में दे ऑल आर पॉइंट्स ठीक है सो फाइव पॉइंट्स मार्क करने हैं ठीक है हमारे पास टोटल कितने पॉइंट्स हैं E एक पॉइंट है D इज पॉइंट O इज पॉइंट a इज ऑल्सो B इज ऑल्सो एंड C इज ऑल्सो so, आप आउट ऑफ सिक्स कोई भी फाइव पॉइंट्स की एग्जांपल्स यहां पर दे सकते हो ठीक है point A, point B, point C, point O, point D, point E, ओके पार्ट टू में आपने एक लाइन को नेम करना है अब इस डायग्राम में देखो लाइन क्या होती है लाइन की दोनों साइड पे एरोज होते हैं दैट मीन्स कि लाइन बोथ साइड्स आपकी एक्सटेंड हो रही होती है ओके okay? अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन सी पॉसिबिलिटी है लाइन की सो ओ इज़ नॉट अ लाइन ओ क्योंकि फिक्स्ड है इट एक्सटेंड्स ओनली इन वन डायरेक्शन सो दिस इज़ नॉट अ लाइन ओ बी इज ऑल्सो नॉट अ लाइन बिकॉज इट एक्सटेंड्स ओनली इन वन डायरेक्शन सिमिलरली ओ सी इज़ ऑल्सो नॉट अ लाइन बिकॉज इट एक्सटेंड्स ओनली इन वन डायरेक्शन बिकॉज ओ पॉइंट तो फिक्स है ओके okay? अब बचता है हमारे पास ये वाला लाइन ठीक है बी टू ई वाला ओके okay? क्योंकि इसके दोनों साइड पे हमारे पास एरोज हैं दैट मीन्स इट एक्सटेंड्स इन बोथ डायरेक्शन ऐसे सो so, इस लाइन को अब हम लोगों ने नेम करना है सो so, क्या करेंगे हम लोग इसके जो फारदेस्ट पॉइंट्स हैं उनको ले लेते हैं अब इस साइड पे ले लिया पॉइंट बी इस साइड पे ले लिया फारदेस्ट पॉइंट ई सो बी ई लिख के इसके ऊपर ऐसे लाइन लगा के इसके दोनों साइड पे ऐसे एरोज लगाने हैं ओके सो दीज एरोज रिप्रेजेंट कि लाइन बी की, की साइड पे भी आगे एक्सटेंड हो रही है एंड ई e की साइड पे भी आगे एक्सटेंड हो रही है सो so, ऐसे आप इस गिवन लाइन को नेम कर सकते हो सो अपार्ट फ्रॉम दिस इस लाइन को आप अदर वे में भी नेम कर सकते हो यूजिंग अदर पॉइंट्स तो इस लाइन को हम कैसे नेम कर सकते हैं अदर वेज में बी लिख लिया आपने वन साइड इस साइड को मतलब ये बी की साइड को एक्सटेंड हो रही है एंड आप ई के बजाय डी पॉइंट ले लो ठीक है बी डी एंड ऊपर आपने ऐसे लाइन लगा के दोनों साइड पे एरोज लगा देने हैं सो दैट मीन्स कि लाइन बी की साइड पर भी एक्सटेंड हो रही है एंड डी की साइड पर भी एक्सटेंड हो रही है सिमिलरली आप लोग इसको ऐसे बी ओ करके भी लिख सकते हो बी ओ एंड दोनों साइड पे एरोस लगा दो सो दैट मीन्स लाइन बी की साइड को भी आगे एक्सटेंड हो रही है एंड ओ की साइड को भी ऐसे एक्सटेंड हो रही है ओके सो सेम ही लाइन है बट उसका नाम आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स जो उस लाइन पे गिवन है उन डिफरेंट पॉइंट्स को यूज़ करके आप लोग डिफरेंट डिफरेंट वे में सेम लाइन का नेम लिख सकते हो ओके okay? मेक श्योर sure आपने क्या करना है कि जब भी आपने लाइन का नाम रखना है तो पॉइंट्स लिख के उसके ऊपर ऐसे लाइन लगा के दोनों साइड पे एरो ज़रूर लगाने हैं अगर आप ऐसे एरोज नहीं लगाओगे तो वो आपका लाइन नहीं रहेगा बल्कि लाइन सेगमेंट बन जाएगा बिकॉज अगर आप बी को सिर्फ ऐसे रिप्रजेंट कर दोगे तो दिस रिप्रजेंट्स लाइन सेगमेंट ओके okay. सो so, आपने इस चीज का ध्यान रखना है यहां पे सो दिस इज हाउ यू कैन नेम अ लाइन ठीक है नेक्स्ट है फोर रेज अब रेज क्या होती हैं जिनका एक एंड पॉइंट होता है एंड दे एक्सटेंड ओनली इन वन डायरेक्शन सो अब इस पिक्चर में हम लोग कौन सी रेज रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओ ए ओ फिक्स पॉइंट हो गया फिक्सड एंड पॉइंट हो गया एंड ए की तरफ एक्सटेंड कर रहा है सिमिलरली अन अदर रे वी कैन राइट ओ बी ओ एंड पॉइंट हो गया बी की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं ठीक है सिमिलरली ओ सी ओ इज़ एंड पॉइंट सी की तरफ एक्सटेंड हो रहा है देन ओ डी ओ इज़ फिक्स पॉइंट डी से आगे एक्सटेंड हो रहा है ठीक है क्योंकि इस साइड पर एरो है आपका ओके सो ओ डी हो गया डी की तरफ मतलब ये एक्सटेंड कर रहा है सिमिलर वे में ओ इज ऑल्सो आ रे ओ फिक्सड एंड पॉइंट हो गया एंड ई e की तरफ आगे ये एक्सटेंड कर रहा है ठीक है सो ऐसे आपके पास ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स हो गई रेज की तो so, यहाँ पर हमने फाइव एग्जाम्पल्स दी हैं आप फाइव लिख लो चाहे तो आप आउट ऑफ दीज फाइव कोई फोर रेज यहाँ पर मैंशन कर दो फोर्थ पार्ट में फाइव लाइन सेगमेंट्स मैंशन करने हैं सो लाइन सेगमेंट का क्या मतलब है जिसके टू डिस्टिंक्ट फिक्स्ड पॉइंट्स हैं मतलब उसकी जो लेंथ है दैट इज़ फिक्स्ड अब यहाँ पर लाइन सेगमेंट्स लिख लो ओ ए ओ ए आपका एक लाइन सेगमेंट बन गया सो लाइन सेगमेंट के लिए क्या करेंगे ओ ए के ऊपर ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे एंड उस लाइन पर हमने कोई भी एरोज मार्क नहीं करने बिकॉज ये फिक्स लेंथ है सो सिमिलरली ओ बी हो गया आपके पास ओ टू बी अब इस पर भी लाइन लगा दो ठीक है ओ सी इसके ऊपर भी लाइन लगाओगे then ओ डी इसके ऊपर भी लाइन लगाओगे ओ ई इसके ऊपर भी लाइन लगाओगे ठीक है डी ई इज ऑल्सो अ लाइन सेगमेंट ठीक है इसके ऊपर भी लाइन लगाओगे ई e से लेके बी तक इज ऑल्सो अ लाइन सेगमेंट ई से लेके बी तक क्योंकि फिक्सड एंड पॉइंट्स है ना ई एंड बी तो ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स आ गए अब इनमें से आप कोई भी फाइव लाइन सेगमेंट्स की एग्जांपल दे सकते हो So, this completes your question number 6. Thanks for watching this video. I'll see you next time. Take care. Bye.